आज का जो बॉम्बे टाइम्स का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट जर्निंग होगा मलाला फिल्म का वो आप मलाला फंड में डोनेट करना है, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और कितना अच्छा इनिशिएटिव मानते हैं, कितना ज़्यादा इंकरेजिंग मानते हैं इस तरह का इनिशिएटिव लेना? ये इनिशिएटिव मैंने ले लिया था जिस दिन मैंने फिल्म का अनाउंसमेंट किया था उसी दिन, तो रिमाइंडर देने के लिए मैंने इस न्यूज़ को आज फिर से रिज्यूम किया। देखिए, एजुकेशन की कमी है जहाँ पर, मुझे लगता है जैसे अभी मॉडल स्कूल है यहाँ पर जहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए 50 लाख रुपए लग जाए, मुझे लगता है दुनिया में इतने लोग इतने तरीके से कमा रहे हैं, इतने जगह में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर गन बुलेट मिसाइल परमाणु बनाने के लिए करोड़ों खरबों रुपया खर्च हो रहा है हर रोज, जो कमाई हम कमाते हैं पूरी जिंदगी का मेहनत करके उसका टैक्स भरते हैं, वो टैक्स का 50% से ज़्यादा वो डिफेंस में चला जाता है, गोली और गन बारूद खुद को संभालने में, खुद के डिफेंस के चक्कर में या फिर खुद को बड़ा पावरफुल बनाने के लिए। पूरी दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन फ्री होना चाहिए, पूरी दुनिया के हर कंट्री को करना चाहिए कि एजुकेशन फ्री हो जाए, फिर हर घर से एक स्कॉलर निकलेगा, क्योंकि वो ट्यूशन ले नहीं पाता है, वो ले नहीं पाती ठीक से ढंग का ट्यूशन, तो कहाँ से एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। वो इनिशिएटिव जो है वो मलाला का है, जो जिसने इतना बड़ा सर्वाइव करके भी तगड़े एक मकाम बना के, और उसके नाम से कई फंड चल रहे हैं इन दिनों, कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर जैसे साउथ अफ्रीका का कई ऐसे बेल्ट हैं, नाइजीरिया का कई ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, आज भी भूखमरी है, खाने को लोगों के पास पैसा नहीं, तो वो कलेक्शन करती है और वहाँ पर वो स्कूल फाउंड कर रही है, वो बच्चों को किताब दे रही है, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म दे रही है, तो जब उसी पे हम ये फिल्म बना रहे हैं, उसी को लेकर हम जब कुछ कमाने की सोच रहे हैं या फिर कुछ एक सोशल कॉज को सामने लाने का सोच रहे हैं, तो उसमें से एक तिहाई भी नहीं है एक दिन का जो एक कलेक्शन होगा वर्ल्ड का। तो मैंने बिना परमिशन लिए पहले ही बोल दिया था, जब मेरे पास कोई प्रोड्यूसर थे भी नहीं, और वो लकीली प्रोड्यूसर भी मिले तो वैसे ही मिले जो सोशल कॉज पे करने वाले काम, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है एक दिन का कलेक्शन देने में, तो फिर वो बस वही है। ये भी कहना चाहूँगा कि तो काफ़ी सारे इंस्पायरिंग फिगर हैं मलाला के अलावा भी काफ़ी सारे इंस्पायरिंग फिगर जिन्हें अपने प्रूफ के अपने जो है सोसाइटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो क्या कहते हैं मलाला क्यों इतना आपको इंस्पायर किया ये सब्जेक्ट की इस पर फिल्म बनाई? नहीं, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, हैं तो बहुत सारे फिगर दुनिया में, बहुत सारे मदर टेरेसा अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है जान से खेलने की बारी बात आती है कि एक ऐसा संस्था तालिबान हो या फिर अलकायदा हो या फिर वो बोको हरम हो या फिर वो आईएसआई हो, ये जो ये लोग जो हैं इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन ये लोग बात ही नहीं करते, ये किसी तरह की बात पे, किसी तरह के समझौते पे या फिर आप माफीनामा ये सब होता नहीं है, यहाँ पर जान से मार देने की बात आती है, कई लोग इन लोगों ने मार दिया, कई बेगुनाह को मार देते हैं लोग, तो जो जो आदमी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो लड़की इनके खिलाफ बोल रही है, वो तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है, उसके जज्बा, उसकी हिम्मत और उसका जो वो गट्स था, वो गट्स ने मुझे इंस्पायर किया है, वो पावर ने इंस्पायर किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर, इतनी छोटी सी बच्ची, वो बाप वो देखिए, वो माँ देखिए, जिसने उसको वो करने का भी वो दे दिया परमिशन के, हाँ तुम कर सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो उनके खिलाफ, ये बहुत बड़ा मसला है, मतलब कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं कि आप सबमिट कर रहे हैं एक नेशनल गेम, आप जाके हॉकी में आप सबमिशन आपका होगी, आप ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, वो वाला मसला नहीं है, आप एजुकेशन के लिए चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप बोल रहे हो और वैसे एक जगह पर बैठ के बोल रहे हो जहाँ पर पढ़ना मना है, जहाँ पर घर से निकलना मना है, जहाँ पर आपको हिजाब में रहना है, जहाँ पर आप एक वर्ड इंग्लिश बोलने की बात आप करेंगे तो आपको बोला जाएगा आप काफिर हो, आप वेस्टर्न कंट्री से आप इंस्पायर्ड हो, वहाँ पर इस तरह का उसने कदम उठाया था, तो जाहिर सी बात है कि आपको इंस्पायर करेगा वो कैरेक्टर। सर, आपके लिए क्या मोटिवेशन था इसको प्रोजेक्ट को बैकअप करना, क्या मतलब, क्योंकि ज्यादातर लोग कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बैकअप करते हैं प्रोजेक्ट को जब उनको फायदा नजर आता है, तो आप क्या समझते हैं कितना रिस्क, कितना चैलेंज है इस प्रोजेक्ट को बैकअप करना आपके लिए? चैलेंज था शुरुआत में जब हम लोग जुड़े तो थोड़ा सा लगा था कि कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, थोड़ा सा सोचा था, बट सभी फैमिली की और उसकी तरफ से सपोर्ट मिलके भाई गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है और सारा करके और आपने सब करना है ये, तो मोटिवेशन मिला, तो हमने फिर उसको कैरी ऑन किया कि हम ये कर सकते हैं और समस्याएं तो आएंगी बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको फेस करेंगे। और फिर सारा एजुकेशन के लिए ऐसे जैसे अमजद भाई ने बोला कि अपने को फर्स्ट डे का वहाँ पे फंड में देना है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये नहीं है कि हमने एज ए बिजनेस इसको लेना है, बट ये अच्छा मैसेज आए सोसाइटी में कि एजुकेशन के लिए, और हमारे मोदी जी भी अभी सरकार में ये कर ही रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, तो ये सारा अच्छा मैसेज आएगा हिंदुस्तान में भी, तो दैट्स व्हाई। आपने जो स्टार कास्ट लिया है काफ़ी टैलेंटेड डीपी दत्ता हो जाए या और भी जितने का, कितना ज़्यादा आपको वो चैलेंज था कि एक साथ असेंबल कर इतने टैलेंटेड स्टार कास्ट को इस फिल्म के लिए?
डेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, काफी सारी बात होती है प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो उसके बारे में बताइए आप। कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत होती है जब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं कि एक ही साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं 7 लोग 8 लोग जो रेनाउंड है, जो लोग अलग अलग अपने अहदे पे हैं, कहीं कोई साउथ में काम कर रहे हैं, कोई कोई हिंदी सिनेमा में कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत तो हुई, लेकिन ज्यादातर हमने कास्ट उसी को किया। एक फिल्म आई थी आर्गो, शायद आपने देखा होगा, उसमें जितने लोगों को कास्ट किया गया था वो रिजेंबल करते थे रियल कैरेक्टर से, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, कि भाई हम फटाक से रिलेट कर लेते थे कि भाई हाँ इस कैरेक्टर को हमने देख हम देख रहे हैं। मौलाना फजलुल्ला या फिर बैतुल्ला मैसूद या फिर हकीमुल्ला मैसूद या फिर सुमी मोहम्मद, ऐसे लोगों को आम लोग जानते हैं, आए दिन लोग इनका न्यूज चलता रहा है, तो कास्ट हमने उसी को किया जो जैसा देखने में है। तो वो फिर उसको जब वो गेटअप दे दिए या फिर उस पर थोड़ा प्रोस्थेटिक वर्क किए तो वो वैसे लगने लगे, फिर वो मैनरिज्म भी वो लोग कैरी करते, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर हैं सब जितने भी इस फिल्म में हैं, और सब एक्सपीरियंस लोगों को जो जिनको एक्टिंग का पता हो, जैसे कि एक कसाई उसे अगर आप पूछेंगे मटन के बारे में वो बता देगा, ऐसे बहुत एक्टर यहाँ पर हैं जिनको एक्टिंग क्या है उसको पता ही नहीं, पूछते हैं तो पता नहीं, कोई एक एक्टर आता है वो खड़ा रहता है उसको बोलता हूँ एक्टिंग नहीं तो प्रोडक्शन कर ले, हाँ कर लूँगा, तो जिसका मोटो नहीं है, जिसका कुछ टारगेट नहीं है एक्टिंग, उसको मैंने कास्ट नहीं किया इस फिल्म में, उसी को कास्ट किया जो जीते हैं एक्टिंग में, जो मरते हैं एक्टिंग में, जो सोते हैं एक्टिंग में, तो बहुत आसान रहा। ज़्यादातर हम रिहर्सल पहले कर लेते थे क्योंकि मल्टीपल कैमरा का सेटअप होता था, तो कट कट करके एंगल बदल बदल के हमने पूरी फिल्म में कोई सिंगल शॉट भी ऐसा नहीं लिया, हम एट ए टाइम लगाते थे सारा कैमरा, 15-16 कैमरा लगता था एट ए टाइम, तो वो पहले रिहर्सल हो जाता था, फिर वो एक्शन सीक्वेंस हो या फिर वो टॉकी हो, तो एट ए टाइम सब करते थे, बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइज होता था। आपका काफी ब्रॉडर विजन है, लेकिन सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि वो काफी ऑर्थोडॉक्स हैं, वो जो मलाला का व्यू है जो सोसाइटी के लिए वो उससे इंस्पायर्ड नहीं है और उसके खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए कितना बड़ा रिस्क था या कोई ऐसा थ्रेट या कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुआ इस फिल्म को लेकर जहाँ कोई ग्रुप आपको नहीं चाह रहा है कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट आगे बढ़ दे? नहीं, वो शुरुआती दौर में हुआ था, मैंने बांग्लादेश की लड़की को कास्ट किया था शुरुआती, ढाका की लड़की को उसने मना कर दिया था क्योंकि वहाँ पर उसके थ्रेट शुट्स हुए थे वहाँ पर, तो ये तो चलते रहेंगे, इस तरह के लोग होंगे पूरी दुनिया में हैं, तो वो जो आवाज उठाई थी उसको थ्रेट्स आया था, हम फिल्म बनाए हमको थ्रेट्स आएगा, तो लेकिन ये थ्रेट्स ये वो लोग हैं जो छुप के कहीं बैठे हैं, ये आम आदमी के जैसे या फिर मतलब वो विद्रोह करने के लिए सामने आने वाले लोग नहीं, ये पीठ पे कायर हैं, पीठ पे वार करेंगे इस तरह के लोग, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी चाह रहे हैं कि ये फिल्म सारा वर्ल्ड वाइड सारा कुछ जाए और लोग देखें इसको और सारे करें, तो हम अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन भाई ने दिया है और सारा कुछ करके अच्छी क्वालिटी बनाई है और वर्ल्ड वाइड इसको हमने इंटरनेशनली मूवी बनाई है हॉलीवुड स्टाइल में, तो सारा मतलब ऐसा लगता है कि अब सब हम जाएंगे उन फेस्टिवल्स में और उनको सबको प्रमोट करेंगे और परमात्मा ने चाहा तो अच्छा ही इसका रिजल्ट लेके आएंगे। फिल्म का जो प्रोमो है काफी इंस्पायरिंग, जो डीप वॉइस है कबीर बेदी के, जो लोकेशन है मतलब काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे शूट के दौरान कहाँ कहाँ शूट किया था, किस तरह का चैलेंज फेस करना पड़ा और क्या कहेंगे रिजेम्बलेंस कितना है जो रियल मलाला का जो लाइफ है रियल लाइफ और फिल्म में? 100% मैच करके किया है हर चीज़, मतलब आप वो अगर ये एक पेन बोलेंगे, एक पैड बोलेंगे लेटर पैड या फिर एक टेबल कुर्सी, उसके लाइट घर के लैंप, हर एक चीज़, दीवार के कलर, दरवाजे का जो लगाते हैं वो हर एक चीज़ हमने कॉपी पेस्ट ही किया है कह सकते हैं, ताकि लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर ले, वो भी जब देखें खुद को कि हाँ मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, ये एग्जैक्टली वही फिक्शन हमने इस फिल्म में नहीं रखा है, रिसर्च वर्क बहुत अच्छा रहा है, वसुधी चक्रवर्ती जी ने इसकी पूरी स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है, 2 साल तो रिसर्च रहा, आम लोगों से बात करते थे हम वहाँ पर यहाँ से फ़ोन कनेक्ट करके, फिर गैजेट कई न्यूज़ हैं कई बड़े लोगों के, जैसे कि इम्तियाज़ गुल साहब हैं दुनिया के बहुत जाने माने रिपोर्टर रहे हैं, ऑथर भी हैं, उनकी किताबों को पढ़ के कई चीज़ें बाकी रिजेंबल, आप अगर कहेंगे तो लोकेशन में भी हमने वही किया, जैसे कि साउथ नॉर्थ वजरिस्तान का जो सरफेस है वो हमें मिल रहा था भूज में, तो हमने भूज में वहाँ पर शूट किया, उस तरह मिलिट्री कैंप वगैरह डाले, एक्शन सिक्वेंस वहाँ पर किए, कश्मीर बिल्कुल हूबहू मैच करता है, बीच में एक मरी करके पहाड़ है जो पहाड़ कश्मीर में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो
पहाड़ जैसे हम क्रॉस कर जाएंगे तो कश्मीर है, तो इस तरफ कश्मीर है, उस तरफ पाकिस्तान है, तो वो सेम लोकेशन है, सेम चीज है, वहाँ भी उस तरह के बर्फ हैं, वहाँ भी वहाँ के लोग उसी तरह के, वहाँ भी वही झाड़ पौधे हैं, वहाँ का कल्चर यहाँ कल्चर एग्जैक्टली उसी तरह का है, तो हमने कश्मीर को चूज़ किया। लेकिन कश्मीर के वो सब लोकेशन को चूज़ नहीं किया जिनको इन दिनों अब तक चूज़ किया गया है गानों के लिए, कि एक भाई रोमांटिक गाना बर्फ में भागती हुई हीरोइन दौड़ रही है कर रहे हैं, हमने रिमोट एरिया पकड़ा जो एरिया कभी एक्सपोज नहीं हुआ है, वहाँ के लोकल्स लोग का वो हमने हेल्प भी लिया और फिर हमने शूट किया। मैं बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड है, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग का ओपिनियंस मैटर करता है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अभी तक क्या रवैया रहा है, किसने फिल्म देखी या प्रोमो देखा और क्या किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा एक वर्ड के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा चैनल का भी नाम दिख रहा है मुझे बॉलीवुड, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नाम, जिनका भी होगा चैनल वो शायद मुझसे नाराज़ हो जाए, मुझे नहीं लगता है बॉलीवुड करके कोई इंडस्ट्री तो है ही नहीं, सबसे पहली बात इंडस्ट्री उसे कहेंगे जहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई जगह है जहाँ पर कुछ बनता हो, जहाँ से कुछ निकलता हो, पाइप इंडस्ट्री हो, लोहे का इंडस्ट्री हो, कोयले का हो, जहाँ पर कुछ बनता है कपड़े का हो, यहाँ कहाँ बनता है मुझे नहीं पता, यहाँ फिल्म बनती कहाँ है, कौन निकालता है फिल्म को और कौन रिलीज करता है, कुछ इंडिविजुअल हाउस हैं जो बनाते हैं फिल्मों को, कई ऐसे बड़े मेकर हैं जो बनाते हैं फिल्म को, एकता है ही नहीं इंडस्ट्रीज को, क्यों बोलते हैं पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया आज तक। अगर आप लोन लेना चाहते हो फिल्म के नाम पे तो लोन तो फिल्म के नाम पे मिलता नहीं, आपको आपका घर का ज़मीन का जायदाद का पैसा देकर बैंक से पैसा लेना पड़ता है, और वो बैंक का नाम भी हम लोग डाल भी देते हैं कई बार, बैंक तो लोन देती नहीं है, गवर्नमेंट हमको देता नहीं पैसा, इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं समझ में, इंडियन सिनेमा है ये। अब इंडियन सिनेमा की बात करें तो मैं जवाब दे दूंगा, बताइए आप फिर से एक बार सवाल। एज अ होल आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारा चैलेंज है फिल्म प्रोड्यूस करना या फिल्म डायरेक्ट करना, क्योंकि जो इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री नाम तो दिया जा रहा है लेकिन इंडस्ट्री है नहीं, इंडियन सिनेमा है, इंडियन सिनेमा सिनेमा है, तो क्या बदलाव, आप क्या बदलाव चाह रहे हैं, मतलब व्हाट चेंज यू वांट इन द फ्यूचर, किस तरह का चीज बदलाव होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी जहाँ पर हम जंग की बात करते हैं तब हम एक हो जाते हैं, जब भी पाकिस्तान के साथ जंग की बात करेंगे, चाइना के साथ सियाचिन बॉर्डर में जंग की बात करेंगे, हम एक हो जाएंगे तुरंत, विद इन ए मिनट हम बोलेंगे हम सब लड़ेंगे, हम सब गन पकड़ लेंगे, जब एजुकेशन का सवाल आता है कोई एक नहीं होते, जब एक अच्छा एक आउटपुट, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मैं किसी को पूछता हूँ मेरे किसी दोस्त को कि कौन सी फिल्म का कर रहे थे, मैं एक प्रोजेक्ट अभी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बोलते हैं, मुझे बड़ा तकलीफ होता है सुन के कि एक सिनेमा बनाने की बात नहीं करके वो प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट तो एक फैक्ट्री कोई डाल रहा होगा, एक मील कोई डाल रहा होगा, वो प्रोजेक्ट बोलेगा समझ में आता है, सिनेमा है, सिनेमा को प्रोजेक्ट बोलते हैं, ऑब्स्टकल्स बहुत सारे हैं, आगे चल के भी ये सब सुधरने में टाइम लगेगा, मोनोपोली है कई लोगों का, अलग तरीके से करते हैं सब, पता नहीं कब सुधरेगा लेकिन सुधरेगा शायद। और फ्यूचर में क्या विजन है, क्या लार्जर देन लाइफ और क्या करने वाले हैं आप, मतलब प्रोजेक्ट फिल्म की बात करें तो इंस्पिरेशनल फिगर इंडिया में भी हैं काफ़ी सारे, उस पर अगर फिल्म बनाने की इच्छा हो तो? नहीं 100% बनाऊंगा मैं, मेरे हैं दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में हैं, हस्ती बहुत है, पूरी दुनिया में है। देखिए बार बार मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, ह्यूमिनिटी जहाँ पर आता है, इंसानियत जहाँ पर आता है, ना इंडिया ना पाकिस्तान ना अमेरिका, सब इंसान हैं हम लोग कहीं ना कहीं जाकर सब, तो वहाँ पर कोई भी फिगर हो सकता है, वो आइंस्टाइन हो सकता है, वो न्यूटन हो सकता है, वो कल्पना चावला पे भी फिल्म बन रही है, तो वो कोई भी हो सकता है जो आपको प्रेरित करेगा उस पर फिल्म बनेगी। थैंक यू।